हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट ट्यूटोरियल्स आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रोग्राम मैनेजर की स्किल रिक्वायरमेंट्स पे प्रोग्राम मैनेजर क्या होता है प्रोग्राम मैनेजर जो है वो प्रोग्राम को मैनेज करता है और विद इन प्रोग्राम सिमिलर प्रोजेक्ट्स को ग्रुप कर दिया जाता है एक प्रोग्राम में ताकि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो कलेक्टिवली अचीव किए जा सके बाय मैनेजिंग दैम कलेक्टिवली एज ए होल टाइम आप प्रोजेक्ट को अगर इंडिविजुअली मैनेज करते हैं तो उस पर आपके रिसोर्स उसके उस पर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है लेकिन जब आप उसको ग्रुप में कर देते हैं सिमिलर प्रोजेक्ट्स को एक ग्रुप में कर देते हैं तो उसको प्रोग्राम का नाम दे दिया जाता है और उसको जो मैनेज करता है उसे प्रोग्राम मैनेजर कहा जाता है तो प्रोग्राम मैनेजर जो है वो उसकी रिस्पांसिबिलिटीज डिफ़र करती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट को मैनेज करता है जबकि प्रोग्राम मैनेजर जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद इन प्रोग्राम उनको मैनेज कर रहा होता है प्रोग्राम so, मैनेजर जो होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटीज सुपेरियर होती हैं एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट मैनेजर और जो प्रोग्राम मैनेजर होता है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज करने होते हैं जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है तो इसलिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है प्रोग्राम uh, मैनेजर के लिए वो भी डिफर करता है प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकिन ओवर द टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज uh, को लेते हुए और एक्सपीरियंस के साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो प्रोग्राम में चले जाते हैं वो प्रोग्राम मैनेजर में चले जाते हैं बन जाते हैं अब प्रोग्राम के फ़ायदे क्या हैं प्रोग्राम जब आप प्रोग्राम मैनेजमेंट करते हैं तो आप जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप ग्रुप कर देते हैं फर्स्ट करें जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं सिमिलर कंस्ट्रक्शन के फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं अब एक इंटरप्राइज़ uh, है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास रोड्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं फाइव टू सिक्स प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके ऊपर uh, एक प्रोग्राम मैनेजर होगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट सिमिलर हैं उनके लिए रिसोर्स सिमिलर चाहिए उनके लिए फिजिबिलिटी स्टडीज़ आलमोस्ट सिमिलर होती हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सिमिलर चाहिए होता है उनके लिए मैन पावर के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो भी सिमिलर चाहिए होता है तो ऐसी सूरत में उनके ऊपर एक प्रोग्राम मैनेजर को लगा दिया जाता है ताकि रिसोर्स की कोऑर्डिनेशन रिसोर्स यूजेबिलिटी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो पाए तो प्रोग्राम मैनेजर के लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए उन पर बात करते हैं तो ये बेसिकली हमने एक स्किल सेट पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रोग्राम मैनेजर को चाहिए उसमें सबसे पहले है टीम बिल्डिंग अब जो प्रोग्राम मैनेजर के हम लेवल पे बात करें तो प्रोग्राम मैनेजर के अंडर जो टीम होती है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की होती है और प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो जब सेलेक्ट करता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तो उसको चाहिए कि उसकी टीम ऐसी हो जो कि कॉम्पिटेंट हो एक्सपीरियंसड हो उनके पास रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस हो बैकग्राउंड नॉलेज हो स्किल सेट हो उनके पास टीम को लीड करने की सलाहियत हो वो अपनी प्रोजेक्ट की टीम को बना सकें और अपने वो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके मॉनिटर कर सके ट्रैक कर सके और प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सके तो प्रोग्राम मैनेजर जो अपनी टीम बनाता है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं नेक्स्ट है लीडरशिप जो आजकल के कॉन्सेप्ट है वो लीडर का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है आजकल के दौर में एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट कि लीडरशिप जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखता है वो कोचिंग करता है उसकी फोरकास्टिंग बहुत अच्छी होती है वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस कर लेता है लार्ज डेटा को एनालिसिस कर लेता है तो प्रोग्राम मैनेजर के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को चूँकि उसने मैनेज करना होता है मल्टीपल टीम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को उसने मैनेज करना होता है तो उसके अंदर फोरकास्ट करने की लोगों को समझने की उनको लीड करने की उनको डायरेक्शन देने की उनको गाइड करने की स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की एबिलिटी होनी चाहिए नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आमतौर पर रिसोर्स शेयरिंग में आता है उसे रिसोर्स एलोकेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि कन्फ्लिक्ट आ सके और दूसरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो डेलीगेट करता है वो इतने अच्छे तरीके से हों कि दो प्रोजेक्ट मैनेजर के दरम्यान कन्फ्लिक्ट आ सके और अगर कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसको वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सके कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक्स वो अडॉप्ट करते हुए वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेक्निकल एक्सपर्टाइज जिस प्रोग्राम को वो प्रोग्राम मैनेजर मैनेज कर रहा है उसके अंदर उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है प्रेफरेबली वो प्रो, प्रोग्राम मैनेजर जो है वो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुका हो अगर वो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुका है उसने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया है फिर उसकी पोस्ट को अपग्रेड करके प्रोग्राम मैनेजर बना दिया गया है तो ऐसी सूरत में उसके पास रेलिवेंट बैक नॉलेज होता है टेक्निकल एक्सपीरियंस होता है टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए जो टेक्निकलिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है प्रोजेक्ट्स जो हैं प्रोग्राम के अंदर वो डिफ़र कर सकते हैं प्रोग्राम डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं जैसे पहले बात की कोई रोड्स का प्रोजेक्ट्स है, है उसका एक प्रोग्राम है कोई हॉस्पिटल्स हैं उनका एक प्रोग्राम है कि उसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं कोई एयरपोर्ट्स बनाने का हो सकता है कोई रनवे बनाने का हो सकता है कोई डैम बनाने के हो सकता है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनाने का हो सकता है तो ये बेसिकली टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि चाहिए होती हैं रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए तो प्रोग्राम मैनेजर के पास रेलिवेंट टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है फिर वो एक इफ़ेक्टिव प्लानर हो अगर वो इफेक्टिव प्लानिंग नहीं करता प्रोजेक्ट्स की प्रोग्राम की इफेक्टिव प्लानिंग नहीं है और उसके अंदर रिसोर्स शेयरिंग की प्लानिंग नहीं है प्रोग्राम की मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग की प्लानिंग नहीं है प्रोग्राम uh, की परफॉर्मेंस एनालिसिस की कोई प्लानिंग नहीं है रिसोर्स शेयरिंग की प्लानिंग नहीं है रिसोर्स कंट्रोलिंग की प्लानिंग नहीं है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग जो है उस तरह की प्लानिंग नहीं शामिल की गई प्रोजेक्ट की स्केजलिंग अच्छी नहीं की गई तो ऐसी सूरत में जो है वो आ, जो प्रोग्राम है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाता प्रोग्राम फेल की तरफ जा सकता है तो प्रोग्राम मैनेजर जो होता है उसको एक अच्छा प्लानर भी होना चाहिए नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइज उसके अंदर मैनेजमेंट का जो एक फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग वो होना ज़रूरी है कि वो रिसोर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सके हयर रिसोर्स को टेक्निकल रिसोर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज़ कर सके जिस जगह रिसोर्स जिसकी ज़रूरत है उसको वहाँ प्रोवाइड कर सके और रेलिवेंट रिसोर्स को जहाँ से हटाना है वो वहाँ से उसको रिमूव कर सके तो रिसोर्स एलोकेशन वो बेहतर तरीके से कर सके नेक्स्ट है इंटरप्रीनरशिप वो नए आइडियाज़ क्रिएट करे नए बिजनेस आइडियाज उसके अंदर हो कि वो अपने प्रो, प्रोग्राम के अंदर कैसे बेहतरी ला सकता है कैसे मॉनेटरी बेनिफिट्स को इंक्रीज कर सकता है कैसे वो आ, बेहतर तरीके से प्रोग्राम को मैनेज करते हुए ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले Uh, जो uh, उसके ऑर्गेनाइजेशन uh, के जो जो प्रोग्राम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सके उसको अचीव कर सके नेक्स्ट जो स्किल्स चाहिए वो है एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो हैं वो डिपेंड कर वो यूटिलाइज होती हैं ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उसने अपने अंडर जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं उनको वो कैसे मैनेज करता है उनकी हायरिंग को उनकी रिक्रूटिंग की उनकी स्टाफिंग को उनको ले ऑफ्स को कैसे मैनेज करता है उनकी अटेंडेंस को उनकी लीव्स को उनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को रेकग्निशन एंड रिवार्ड्स को परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को कैसे मैनेज करता है तो ये सारी की सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं नेक्स्ट जो स्किल्स चाहिए वो है व्यक्ति मैनेजमेंट सपोर्ट कि उसके अंदर ऐसी स्किल्स हों कि वो अपने सब को प्रोजेक्ट मैनेजर्स को सपोर्ट कर सके उनको रिक्वायर्ड मैनेजमेंट सपोर्ट दे सके उनको जहाँ पे भी कोई डिफिकल्टी आती है कोई प्रॉब्लम आरइज होता है कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बेहतर तरीके से गाइड करते हुए अपने प्रोग्राम को रन कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द रिसोर्स एलोकेशन प्रोग्राम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो विद इन प्रोग्राम जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं उनके अंदर जो भी रिसोर्स चाहिए उनको एलोकेट करना और उस रिसोर्स की जब ज़रूरत नहीं रही उसको वहाँ से हटा के दूसरी तरफ शिफ्ट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोग्राम मैनेजर की कि वो अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके अंदर रिसोर्स की बैलेंस करें रिसोर्स शेयरिंग करें रिसोर्स की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करें और जिस जगह जिस रिसोर्स की ज़रूरत है उसको वहाँ राइट टाइम में प्रोवाइड करें राइट रिसोर्स को तो ऐसी सूरत में जो है वो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव किया जा सकता है ये बेसिकली दस एक स्किल सेट थी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोग्राम मैनेजर के लिए इसके अलावा बहुत सारी और स्किल्स भी हो सकती है जो कि वेरी करती हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम और प्रोग्राम की कंप्लेक्सिटी क्या है प्रोग्राम का कॉन्टेक्ट क्या है प्रोग्राम की लोकेलिटी क्या है प्रोग्राम की डायमेंशनस क्या है इस हवाले से प्रोग्राम मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर कर सकती हैं बट बाय एंड लार्ज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल सेट्स ऑफ द प्रोग्राम मैनेजर Thank you very much. Please subscribe my channel, like my video, and comment. Thank you very much.